हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फूलों को संस्कृत में क्या कहते हैं। जो हमारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं उनको संस्कृत में हम किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं फूल। फूल को ही क्या कहते हैं संस्कृत में? फूल को संस्कृत में पुष्पम सुमनः कुसुमम, पुष्पम सुमनः कुसुमम कहते हैं। चंपा, चंपा का फूल उसको क्या कहते हैं? चंपका चंपकम, चंपका चंपकम, ये चंपा के फूल कहते हैं। जूही, जूही के फूल को संस्कृत में कहते हैं यूथिका, यूथिका। हरसिंगार, हरसिंगार के फूल को संस्कृत में कहते हैं शेफालिका, शेफालिका। गुलाब, गुलाब को संस्कृत में कहते हैं स्थलपद्यम या पाटलम, स्थलपद्यम या पाटलम। चमेली, चमेली को संस्कृत में कहते हैं मालती, मालती या जाति पुष्पम, जाति पुष्पम। गुड़हल, गुड़हल इसको उड़हुल भी कहते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? जपा चित्रपुष्पी, जपा भी कहते हैं, चित्रपुष्पी भी कहते हैं, संधिजा भी कहते हैं, संधिजा। कमल, कमल को क्या कहते हैं? कमलम उत्पलम सहस्त्रपत्रम, कमलम उत्पलम सहस्त्रपत्रम। बेला, बेला को संस्कृत में कहते हैं मल्लिका, मल्लिका। कनेर, कनेर क्या कहते हैं? कनेर कहते हैं कर्णोरा, कर्णोरा जो संस्कृत नाम है इसका, कनेर का कर्णोरा। सूरजमुखी, सूरजमुखी को कहते हैं दिवाकरा, दिवाकरा। कुमुद, कुमुद को कहते हैं संस्कृत में पद्मिनी, पद्मिनी। केतकी, केतकी के फूल को कहते हैं संस्कृत में कैतवम, कैतवम। रातरानी, रातरानी के फूल को कहते हैं संस्कृत में रजनीगंधा, रजनीगंधा। नीलकमल, नीलकमल को संस्कृत में कृष्ण कमलम भी कहते हैं, इंदीवरम भी कहते हैं, कृष्ण कमलम इंदीवरम दोनों ही कहते हैं। गेंदे के फूल को, गेंदे के फूल को स्थलपद्यम या सेवांतिका, सेवांतिका, सेवंतिका। गेंदे के फूल को स्थलपद्यम या सेवंतिका भी कहते हैं। गुड़मोहर, स्थलपद्यम गुलाब को भी कहते हैं और गेंदे को, मतलब जमीन का कमल स्थलपद्यम होता है, तो गेंदा भी कमल के ही समान होता है लगभग, और गुलाब भी। गुलमोहर, गुलमोहर को कहते हैं राज आभरण, राज आभरण। परिजात, परिजात का जो फूल होता है उसको क्या कहते हैं? शेफालिका, शेफालिका। पलास, पलास या ढाक का जो फूल होता है उसको किंसुक, किंसुक या पलासा कहते हैं। नाग केसर, नाग केसर को संस्कृत में नाग पुष्प कहते हैं, नाग पुष्प। मोगरा, मोगरा के फूल को कहते हैं संस्कृत में मल्लिका, मल्लिका। अमलतास, अमलतास के फूल को कहते हैं व्याधिघात, व्याधिघात मतलब बीमारियों को हरने वाला, व्याधि का घात। बहुत ही गुणकारी होता है, औषधि के रूप में प्रयोग होता है अमलतास का फूल, इसलिए उसको व्याधिघात संस्कृत में कहते हैं। मुरझाया फूल, अब जो फूल मुरझा गया है उसको मुलानम कहते हैं, और जो फूल खिला हुआ है उसको विकचम प्रफुल्लम, विकसितम, विकचम प्रफुल्लम विकसितम कहते हैं। चंदन, चंदन को श्रीखंडम, चंदन को श्रीखंडम कहते हैं। मौलश्री, मौलश्री को बकुला, बकुला कहते हैं। नारंगी, नारंगी को जाम्भजम, जाम्भजम कहते हैं। ट्यूलिप, ट्यूलिप के फूल को कंद पुष्पम कहते हैं, कंद पुष्पम। डहलिया, डहलिया को दलिया, डालिया पुष्प कहते, पुष्पम कहते हैं, डालिया पुष्प। तो ये थे दोस्तों हमारे फूलों के संस्कृत में नाम। कैसा लगा आपको ये वीडियो?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।